भाग 8, मुक्ति, विद्रोह, एकाकीपन, निर्दोषता, हम जैसे हैं उसके साथ जीना। ना तो दमन की यातनाओं से गुजरकर और ना ही नियमबद्धता और विधि विधान के कठोर अनुशासन द्वारा आज तक कोई सत्य तक पहुंचता है। सत्य तक पहुंचने के लिए मन को पूर्णतः स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए, जिसमें विकृति का एक धब्बा तक ना हो। लेकिन सबसे पहले हम स्वयं से पूछें कि क्या हम सचमुच मुक्त होना चाहते हैं। जब कभी हम मुक्ति की बात करते हैं तो क्या हम संपूर्ण मुक्ति की बात कर रहे हैं, या हमारा अभिप्राय केवल किसी असुविधाजनक, अवांछित या अप्रिय चीज से मुक्ति का है। हम अपने कष्टकर और कुरूप स्मृतियों एवं दुखद अनुभवों से तो मुक्त होना चाहते हैं, पर सुख और संतोष पहुंचाने वाले अपने संबंधों, सिद्धांतों और विचारधाराओं को छाती से लगाए रहते हैं। आप एक को पकड़िए और दूसरा वहां मौजूद ना हो, यह असंभव है। जैसा कि हमने देखा है, सुख को दुख से अलग किया नहीं जा सकता। इसलिए हम में से प्रत्येक को यह निर्णय करना है कि हम पूर्णतः मुक्त होना चाहते हैं या नहीं। अगर हम चाहते हैं तो हमें मुक्ति की प्रकृति और उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। क्या मुक्ति का इतना ही अर्थ है कि आप किसी चीज से मुक्त हो जाएं, किसी चिंता, किसी पीड़ा से मुक्त हो जाएं? यह मुक्ति अपने आप में एक सर्वथा भिन्न चीज है। मान लीजिए आप ईर्ष्या और जलन से मुक्त हो भी जाते हैं, लेकिन क्या यह मुक्ति एक प्रतिक्रिया नहीं है, और इसलिए यह मुक्ति है ही नहीं? आप किसी धार्मिक विश्वास या मत से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, इसके विश्लेषण द्वारा या इसको पूर्णतः ठुकरा कर। लेकिन उस धार्मिक मत से मुक्ति की जो आपकी मंशा और प्रेरणा है, उसकी भी अपनी प्रतिक्रिया है। हो सकता है कि आप उस धार्मिक मत से इसलिए मुक्त होना चाहते हो क्योंकि वह अब सुविधा और फैशन की बात नहीं रही। इसी तरह आप राष्ट्रीयता से भी मुक्त हो सकते हैं क्योंकि अब आप अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, या इसलिए कि अब आप महसूस करते हैं कि झंडा, नारा और व्यर्थ के कूड़े कचरे से भरे इस मूर्खतापूर्ण राष्ट्रवादी धारणा से चिपके रहने से कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं आ सकता। अथवा आप किसी आध्यात्मिक या राजनीतिक नेता के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिसने आपको अनुशासन या विद्रोह के द्वारा मुक्ति का आश्वासन दे रखा है। इन सब चीजों को आप आसानी से परे हट सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे तर्कपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्षों का मुक्ति से कुछ लेना देना है? अगर आप कहते हैं कि आप अमुक चीज से मुक्त हो गए हैं, तो यह किसी चीज से मुक्त होना एक प्रतिक्रिया है जो पुनः एक दूसरी प्रतिक्रिया को जन्म देगा और जो बाद में नियम और विधि विधान बनकर आप पर हावी हो जाएगी। इस तरह आप प्रतिक्रियाओं की एक जंजीर में जकड़ जाएंगे और हर प्रतिक्रिया को आप मुक्ति का एक प्रतीक समझेंगे। लेकिन यह मुक्ति नहीं है, यह थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अतीत का ही सातत्य है जिससे आपका मन चिपका हुआ है। आज का युवक समाज के विरुद्ध विद्रोह में खड़ा है, यह अपने आप में एक अच्छी और ऊंची बात है। लेकिन विद्रोह मुक्ति नहीं है, क्योंकि जब आप विद्रोह करते हैं तो यह एक प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया अपना एक अलग ढांचा खड़ा करती है जिसमें आप उलझ जाते हैं। हालांकि आप सोचते हैं कि यह एक नई चीज है, लेकिन यह नहीं है, नहीं, यह एक भिन्न सांचे में ढली पुरानी चीज ही है। कोई भी सामाजिक या राजनीतिक विद्रोह निश्चित रूप से फिर पुरानी मध्यवर्गीय मानसिकता की ओर लौट आएगा। मुक्ति का तभी जन्म होता है जब आप देखते हैं और कुछ करते हैं, विद्रोह के द्वारा कदापि नहीं। वस्तुतः देखना ही करना है और यह क्रिया तत्क्षण जन्म लेती है। जब आप किसी खतरे को देखते हैं तब किसी सोच विचार, बहस, विवाद और हिचकिचाहट की गुंजाइश नहीं रहती। उपस्थित खतरा स्वतः क्रिया को बाध्य कर देता है। इसलिए देखने का अर्थ है करना और मुक्त हो जाना। मुक्ति मन की एक अवस्था है, यह किसी चीज से मुक्ति नहीं है, बल्कि उन्मुक्तता और स्वच्छंदता का एक बोध है। यह मुक्ति हर चीज पर प्रश्न और शंका खड़ा करती है। यह इतनी तीव्र, सक्रिय और प्रबल होती है
कि यह हर प्रकार की निर्भरता, दासता, नियमबद्धता और स्वीकृति को उखाड़ फेंकती है। ऐसी मुक्ति का अर्थ है निपट एकाकीपन में होना। हमारा मन ऐसी संस्कृति में पल बढ़कर विकसित होता है जो पूर्णतः परिवेश और अपनी प्रवृत्तियों पर निर्भर है और आश्रित है। तो क्या ऐसा मन उस मुक्ति को कभी पा सकता है जो पूर्ण एकाकीपन है, जिसमें ना कोई परंपरा है, ना कोई सत्ता है, ना किसी का नेतृत्व है? यह एकाकीपन मन की एक आंतरिक दशा है जो किसी बाहरिक उत्तेजना और किसी ज्ञान पर निर्भर नहीं है और जो न किसी अनुभव और निष्कर्ष का नतीजा है। हम में से अधिकांश लोग आंतरिक रूप से कभी एकाकी नहीं होते। एकाकीपन और एकांत में अंतर है। एकाकीपन का अर्थ है एकमात्रता, जबकि एकांत का अर्थ है शेष जगत से अपने को काटकर अलग कर लेना। हम सबको पता है कि यह अलग होने का क्या अर्थ है, अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेना ताकि कभी किसी का आघात ना झेलना पड़े, अर्थात अपने भीतर बंद होकर जीना, अथवा वैराग्य और संन्यास साधने की कोशिश करना जिसका अपना दंश और दर्द है, अथवा अपने ही मन के द्वारा बुने हुए विचारधारा के स्वप्न जाल में जीना। इन सबसे अलग एकाकीपन बिल्कुल ही भिन्न चीज है। आप एकाकी कभी नहीं हो पाते क्योंकि आप स्मृतियों से, संस्कारों से, बीते हुए कल के कोलाहल और शोल गुलों से भरे हुए हैं। आपका मन उस कूड़े कचरे से कभी खाली नहीं हो पाता जिसे इसने बड़े यत्न से जमा कर रखा है। एकाकी होने के लिए आपको अतीत के प्रति मर जाना पड़ेगा। इस तरह जब आप एकाकी होते हैं, बिल्कुल एकाकी, अर्थात जब आप किसी परिवार, किसी संस्कृति, किसी देश, किसी महादेश विशेष के नहीं होते, एक अपरिचित, अजनबी और बाहरी व्यक्ति होने का बोध और एहसास आपके अंदर रह जाता है। इस ढंग से जो व्यक्ति पूर्णतः एकाकी है वह निष्कलुष है। यही निष्कलुषता मन को दुख से मुक्त कर देती है। हम अपने साथ हजारों व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों को तथा बदनसीबी और बुरे दिनों की स्मृतियों को ढोते चलते हैं। इस सब को एकदम उतार कर अलग रख देने का अर्थ है एकाकी हो जाना। वह मन जो एकाकी है वह न केवल निष्कलुष है बल्कि युवा भी है, समय या उम्र के हिसाब से नहीं। उम्र चाहे जो भी हो, वह सदा युवा, निर्दोष और जीवंत है। और केवल ऐसा मन उसे देख सकता है जो सत्य है और जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस एकाकीपन और निसंगता की अवस्था में आपको यह समझ आनी शुरू होती है कि आप जैसे हैं उसके साथ जीना कितना आवश्यक है, न कि जैसा आप थे या जैसा आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए। अब आप स्वयं से यह पूछिए कि क्या आप बिना किसी भय और कपकपी के, बिना झूठी शालीनता और संकोच के, बिना किसी निंदा या समर्थन के स्वयं को देख सकते हैं जो वस्तुतः आप हैं? ठीक उसके साथ क्या आप जी सकते हैं? जब आप किसी चीज के साथ अंतरंग और आत्मीय होकर जीते हैं तभी उसे आप सही अर्थों में समझना आरंभ करते हैं। लेकिन जब आप इसके अभ्यस्त और आदि हो जाते हैं, जैसे जब आप अपनी चिंता, ईर्ष्या इत्यादि के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आपका उसके साथ जीना बंद हो जाता है। जब आपको किसी नदी या झरने के निकट रहने का मौका मिलता है तो शुरू में आप बहते हुए जल के कलकल नाद को आनंद पूर्वक सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका ध्यान उस ओर जाना बंद हो जाता है। इस तरह जब आप कोई नया चित्र अपने कमरे में टांगते हैं जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन एक सप्ताह बाद वह चित्र आपके मन, आपके ध्यान से बाहर हो जाता है। पेड़, पहाड़, घाटी, यह सब कुछ ही दिनों बाद आपके लिए पुराने पड़ जाते हैं। और यही बात घटती है अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी के साथ। लोगों ने सही अर्थों में करीब करीब जीना ही बंद कर दिया है। लेकिन ईर्ष्या, जलन, चिंता, फिक्र इत्यादि को समझने के लिए अगर आप इनके साथ जीना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखें कि आप इनके कभी अभ्यस्त और आदि ना हो जाएं।
इनको कभी स्वीकार ना करें। हाँ, इनका ध्यान आप अवश्य रखें, इनकी देखभाल आप ज़रूर करें, जैसे आप नए लगाए गए पौधे की देखभाल करते हैं, धूप और आंधी से इसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप इनका ख्याल रखें। ना तो इसकी निंदा करें और ना इनका पक्ष लें, इनके प्रति प्रेमपूर्ण रहें। जब आप इनकी देखरेख करेंगे तो सहज ही आप इनके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। मेरा मतलब यह नहीं कि चिंतित और ईर्ष्यालु होना, तब आपके लिए प्रिय बात हो जाएगी, जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, बल्कि इनके प्रति आप स्नेह, सहानुभूति और मैत्री का भाव रखेंगे, क्योंकि आप इन्हें देखना और समझना चाहते हैं। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आंतरिक रूप से क्या हैं, मंद मूड, ईर्ष्यालु, भयभीत तथा स्नेह और प्रेम से बिल्कुल शून्य, भले ही बाहर से हम इसी का गुण गाएं। अपने से उबे हुए, आसानी से चोट खाने वाले, चापलूसी पसंद आदमी, तो क्या हम अपनी इन वास्तविकताओं और सच्चाइयों के साथ, अर्थात हम जो हैं जैसे हैं उसके साथ जी सकते हैं, बिना इसे स्वीकार या इनकार किए हुए, बिना उत्तेजित, उदास या रुग्ण हुए, क्या हम इस सब का निरीक्षण कर सकते हैं? अब स्वयं से हम एक और प्रश्न करें, इस मुक्ति और एकाकीपन को पाने के लिए, तथा हम अपने आप में जो हैं उस आंतरिक अस्तित्व के पूरे ढांचे के संपर्क में आने के लिए क्या समय का अंतराल आवश्यक है? अर्थात क्या मुक्ति एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा ही उपलब्ध की जा सकती है? स्पष्टता नहीं, क्योंकि जो ही आप समय का सवाल खड़ा करते हैं, आप समय के गुलाम होकर रह जाते हैं। आप धीरे धीरे क्रमिक रूप से मुक्त नहीं हो सकते, यह समय की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न यह है, क्या आपको इस मुक्ति का बोध और एहसास हो सकता है? अगर आप कहें कि मैं मुक्त हूँ, तो पक्का जानिए कि आप मुक्त नहीं हैं। यह उस व्यक्ति के समान हुआ जो कहता है मैं आनंदित हूँ। जिस क्षण आप वस्तुतः आनंदित होते हैं, उस समय आपको पता भी नहीं चलता कि आप आनंदित हैं। जब तक आपको अपने आनंदित होने का बोध होता है, तब तक वह आनंद स्मृति का एक रूप ले चुका होता है। इसलिए जब कोई कहता है मैं प्रसन्न और आनंदित हूँ, तो वह केवल अपनी उस स्मृति का संदर्भ दे रहा है जिसमें वह उस क्षण जी रहा है। जो मुक्ति केवल स्वतः और सहज रूप से घटित हो सकती है, आपके चाहने, तरसने और इच्छा करने से नहीं, ना ही इस मुक्ति को आप अपनी कल्पनाओं में साकार करके उपलब्ध कर सकते हैं। मुक्ति के द्वार पर दस्तक देने के लिए मन को सीखना होगा कि समय के बंधन से मुक्त होकर जीवन को कैसे देखें, जो एक विराट प्रवाह और गति है। मुक्ति चेतना की सीमाओं के पार शुरू होती है। धन्यवाद।